नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। तो एक तरफ जहां हिंदुस्तान आज आजादी का जश्न मना रहा है, तो वहीं अफगानिस्तान अब गुलामी की ओर बढ़ चला है। जी आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, काबुल पर, अफगानिस्तान की जो राजधानी है काबुल, वहां पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया। सबसे बड़ी खबर इस वक्त क्या हम आपको बता रहे हैं कि काबुल पर अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो वहां से भाग रहे हैं। अफगानी लोगों को वहां से डर के साए में जीने के लिए अब जो मजबूर होना पड़ेगा, इस डर के चलते अब वहां के अफगानी लोग भाग रहे हैं। और ये तस्वीरें लगातार हमारे सामने आ रही हैं, जिस तरीके से लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि तालिबान ने काबुल पर भी कब्जा कर लिया है, अशरफ गनी ने इस्तीफा दे दिया है। और इससे पहले तालिबान ने कहा था कि वो काबुल किसी भी तरह से ताकत के बल पर सत्ता का हस्तांतरण नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में बातचीत का दौर जारी हो चुका है और अब सत्ता का जो हस्तांतरण है वो सीधा सीधा साफ होता दिखाई दे रहा है कि अब तालिबान जो है वो अफगानिस्तान पर राज करेगा। लेकिन इसके क्या मायने हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। इसके मायने सीधे तौर पर इस तरीके से नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से बाकी जगहों पर देखा गया, वैसा ही अब कुछ अफगानिस्तान में भी देखने को मिलेगा, जहां पर अब शरिया कानून लागू होने की बात हो सकती है। अब 10 साल से बड़ी बच्चियां जो हैं वो अब नहीं जा सकेंगी। आपको बता दें, जी आपको बता दें कि 10 साल से जो बड़ी बच्चियां हैं उनको स्कूल जाने के लिए भी मनाही हो चुकी है। और इसके साथ ही अब जो वहां पर जो महिलाएं हैं वो अपने साथियों के साथ बाहर सड़कों पर नहीं निकल सकती। इस तरह की चीजें अब देखने को आम हो जाएंगी अफगानिस्तान में। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तक पहुंच चुका है तालिबान। और तालिबान ने वहां पहुंचकर, जैसे कि पहले भी उन्होंने कहा था कि खून खराबे से बचेंगे वो लोग, हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि पूरे अफगानिस्तान में जो उन्होंने खून खराबा किया, जिस तरीके से उन्होंने लोगों पर अत्याचार किए, जिस तरीके से लोगों को उन्होंने मारा, और अब काबुल में पहुंचकर सत्ता को भी उन्होंने हथिया लिया है। यह सत्ता सीधी तौर पर आपको बता दें कि यह सत्ता हथियाने का काम जो है उन्होंने ताकत के बल पर किया। लेकिन अब काबुल पहुंचकर उनका कहना है कि वो सत्ता को बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से हथियाना चाहते हैं। हालांकि आपको बता दें कि राष्ट्रपति जो थे अफगानिस्तान के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यह अभी सूत्रों के हवाले से हमको जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही तालिबान जो है अभी बैठक कर रहा है और बैठक के बाद अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अफगानी लोग जो है अफगानिस्तान को छोड़कर भाग रहे हैं। ये तस्वीरें सीधे आज की ही हैं और तालिबान की हैं। तालिबान की ये सामने आप तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरीके से तालिबान के डर से वहां के अफगानी लोग काबुल शहर को छोड़कर भाग रहे हैं। तो डर के साए में जीने को मजबूर हैं आज काबुल के लोग। तो पूरा अफगानिस्तान आज जब सोकर उठा तो इस तरीके की काली तस्वीरों का जो साया है उनके सामने आ चुका है। तालिबान ने अब वहां की राजधानी पर भी कब्जा जमा लिया है और अब सीधी तौर पर जो बातचीत है वो जारी है। अभी बातचीत के बाद क्या आधिकारिक घोषणा होगी उसकी जानकारी भी आप न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर हम आपको देते रहेंगे। इसके साथ ही सबसे बड़ी चीज एक और बता दें कि वहां के अफगानिस्तान के जो पुलिस चीफ थे निजामुद्दीन कैसारी, उनको भी बंधक बना लिया गया। उनको भी बंधक बनाने के बाद उनसे सभी जो उनके अधिकार थे उनको छीन लिए गए हैं। तो अब अफगानिस्तान में कोई भी पुलिस चीफ नहीं है, वहां पर सीधे तौर पर तालिबान का राज है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अफगानिस्तान से हमको ऐसी खबरें मिल रही हैं कि अशरफ गनी जो हैं वो काबुल से अब भाग चुके हैं। ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि काबुल छोड़कर निकल चुके हैं अशरफ गनी। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारी जो है उनका वर्चस्व जो है वो अब छिन चुका है। वहां पर सरकारी कर्मचारी जो है उनको भागने के लिए कह दिया गया है, उनसे कह दिया गया है कि वो सभी कामकाज छोड़कर अब तालिबान के हाथों में सारे कामकाज को सौंप दें। इसके साथ ही महिलाओं की भी तस्वीरें हमारे सामने आई हैं कि महिलाएं भी वहां से भागती हुई नजर आ रही हैं। तो अफगानिस्तान के लोग इस वक्त डर के साए में जी रहे हैं और जितने लोग वहां से भाग सकते हैं वो भाग रहे हैं। तालिबान ने भी सीधे साफ किया है कि वहां से जो लोग भागना चाहते हैं, जो लोग निकलना चाहते हैं, जो लोग काबुल को छोड़ना चाहते हैं वो आराम से काबुल को छोड़ सकते हैं। किसी भी तरह का उन पर किसी भी तरीके का जो जोर जुल्म है वो नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि अब इसके क्या मायने निकलते हैं, तो इसके मायने समझाने की कोशिश करते हैं। अब अफगानिस्तान पर तालिबान का राज है। तालिबान एक कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन है और अब वहां पर इस तरीके की बातचीत आम है कि अब वहां पर जो है शरिया कानून लागू कर दिया जाएगा। शरिया कानून लागू होने के बाद किस तरीके की चीजें देखने को मिल सकती हैं, हमने देखा है इससे पहले कि वहां पर जो उनकी बातों को नहीं मानता उनकी गर्दन काटी जा सकती है, उनके हाथ काटे जा सकते हैं। इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो आम हैं। इसके साथ ही महिलाओं पर जो जुर्म होने हैं उसके लगातार बीते भी कई दिनों से आप लगातार खबरें सुन रहे होंगे कि किस तरीके से काबुल के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर महिलाओं पर किस तरीके से अत्याचार किए जा रहे थे, और अब ये तस्वीरें बिल्कुल आना आम और साफ हो जाएंगी। इसके साथ ही जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि अब वहां की बच्चियां पढ़ाई से
दूर कर दी जाएंगी। जी हां, 10 साल से जो बड़ी बच्चियां हैं उनको पढ़ने की कोई मंजूरी नहीं दी जाएगी। और इसके साथ ही एक और जो जानकारी हमको निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि महिलाओं का पुरुषों के साथ सार्वजनिक रूप से बाहर जाना बंद किया जा सकता है, तो तालिबान के ऑर्डर्स आ सकते हैं। इसके साथ ही आपको जो तस्वीरें दिखाई जा रही है उनमें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से अफगानी लोग जो है डर और वहां पर होने वाले अत्याचार से बचने के लिए अब अफगानिस्तान छोड़कर भागने की फिराक में है। हालांकि काबुल में तो ये तस्वीर आज सुबह से ही आ रही है कि किस तरीके से जो काबुल के लोग हैं वो लगातार काबुल शहर को छोड़कर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि तालिबान ने उनको इजाजत दी है कि वो आसानी से और सामान्य रूप से वहां से जा सकते हैं, किसी तरीके का खून खराबा नहीं किया जाएगा। फिलहाल तालिबान जो है काबुल पर पूरी तरीके से टेक ओवर कर चुका है। यह बिल्कुल ताजा अपडेट है कि तालिबान ने काबुल पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया है और अब जो प्रेसिडेंशियल जो पैलेस है वहां पर बातचीत का जो दौर है वो जारी है, बातचीत चल रही है। इसके बाद जो सत्ता का जो ट्रांसफर है, जो पॉलिटिकल लेवल पे जो ट्रांसफर है, जो सत्ता का ट्रांसफर है वो होना है और आधिकारिक रूप से घोषणा ना हुई हो लेकिन यह हर किसी को मालूम है कि तालिबान जो है अब वो अफगानिस्तान पर राज करने वाला है। आपको बता दें कि इसके क्या मायने हैं, इसके मायने जो हैं वो एक और निकलकर चीज जो सामने आती है कि इस तरीके से क्या, तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार भी हुआ हो। 2001 से लेकर 2006 तक भी तालिबान पार्ट वन देखने को मिला था और किस तरीके का खून खराबा हुआ था ये हर कोई इस चीज से वाकिफ है। इसके साथ ही जब पाकिस्तान की बात करते हैं इसी संदर्भ में तो आपको बता दें कि सिर्फ फर्क इतना है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो सूट पहनकर अंग्रेजी भाषा में बातचीत कर लेते हैं, बस इतना फर्क है, बाकी सारी तस्वीरें एक हैं। तो ये अफगानिस्तान से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, अफरा तफरी का माहौल है। और इस बीच आज का दिन जब हिंदुस्तान आजादी का जश्न मना रहा है तब अफगानिस्तान गुलामी के साए में धीरे धीरे जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।